नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देखिए, हवाई जहाज़ में सफ़र करना अब काफ़ी आसान हो गया है क्योंकि फ्लाइट फेयर्स जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं, जिसके वजह से यात्री काफ़ी कम समय में काफ़ी दूर यानी कई हज़ार मील कुछ चंद घंटे में ही चले जाते हैं, एक बड़ा सफ़र कम समय में तय कर लेते हैं। लेकिन जो यात्री फ्लाइट पे बैठते हैं तो जो उनके सामान होते हैं, लगेज होते हैं, वो फ्लाइट के कर्मचारियों द्वारा फ्लाइट में रखे जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो अभी हमारे सामने एक मामला आ रहा है इंडिगो एयरलाइंस में, जहां पे पटना से कुछ यात्री फ्लाइट में बैठ तो गए और मुंबई पहुंच भी गए, लेकिन उनके सामान को पटना में ही छोड़ दिया गया। अब क्या है पूरा मामला, आइए आपको समझाते हैं। पर कंपनी इंडिगो एयरलाइंस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस विमान कंपनी की फ्लाइट से यात्री पटना से मुंबई पहुंच गए, लेकिन उनका सामान पटना में रह गया। घटना बुधवार की शाम की है। पटना एयरपोर्ट पे फ्लाइट में सवार यात्री मुंबई सही समय पर पहुंच गए, लेकिन उनका सामान नहीं पहुंचा। मुंबई एयरपोर्ट पे सामान नहीं मिलने से नाराज यात्रियों ने हंगामा किया। एयरपोर्ट पर इंडिगो के कर्मियों ने समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। नाराज होकर हंगामा कर रहे यात्रियों को सामान सुरक्षित पहुंचाने को लेकर विमान कंपनी ने उनसे फॉर्म भरवाया। इसकी रिसीविंग भी उन सबको दे दी गई और कहा गया कि गुरुवार शाम तक उनका सामान सुरक्षित घर पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरुवार शाम तक यात्रियों को उनका सामान मुहैया नहीं कराया गया, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। रहने वाले दिलीप कुमार ने बताया है कि बुधवार शाम में मुंबई के लिए उनके साथ अन्य यात्री इंडिगो की विमान में पटना एयरपोर्ट पर सवार हुए। फ्लाइट सही समय पर निकली और समय से पहुंच भी गई, पर यात्रियों का लगेज नहीं पहुंचा, सारे सामान पटना में ही छूट गए। उनकी बच्ची मुंबई में बीमार थी, जिसे देखने के लिए पत्नी के साथ आए हैं, लेकिन उनको अब तक सामान नहीं मिला है। यात्री दिलीप कुमार ने बताया कि विमान में लगभग 125 यात्री सवार थे। दिलीप कुमार ने बताया कि उनके साथ ही कई अन्य यात्रियों भी लगेज गुरुवार शाम तक नहीं मिला, इस वजह से यात्री काफ़ी रोषित हैं। कहा जा रहा है कि इसका असर इंडिगो एयरलाइंस की साख पर पड़ेगा। तो देखिए, ये अजीबोगरीब खबर हमारे सामने आ रही है, जहां 125 लोग उस फ्लाइट में सवार हुए और अगर पटना से इतनी दूर जा रहे हैं तो अवश्य ही अपने काम से जा रहे हों, और कभी भी आदमी कोई सामान अपने साथ ले कर जाता है तो उनका काम भी उन सामानों से जुड़ा रहता है, तो व्यर्थ कुछ समय तो उन यात्रियों का जरूर व्यर्थ हुआ। और यही अपडेट हमारे सामने आ रही है, और सामान यात्रियों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये अपडेट अभी तक हमारे पास नहीं आई है। ये अपडेट हमारे साथ आती है तो हम आपके साथ फिर से एक बार जुड़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।